फेसबुक एड्स कोर्स के इस वीडियो में आज हम सीखेंगे कैसे आप एक न्यू एड सेट क्रिएट कर सकते हैं, मल्टीपल एड सेट्स आप कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो इसका बहुत ज़्यादा यूज़ होता है जब हम फेसबुक एड्स रन करते हैं। दोस्तों प्रैक्टिकली सिखाएंगे एक एक चीज़, तो अच्छे से सीखिएगा, बिकॉज मार्केटिंग फंडाज एक डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी है जो आपको अपनी एजेंसी का एक्सपीरियंस, जो हम मल्टीपल क्लाइंट्स के लिए काम करते हैं, उस एक्सपीरियंस के संग आपको सिखा रहे हैं। तो दोस्तों इस कोर्स को मैं उम्मीद करता हूँ पूरा अच्छे से सीख रहे होंगे। प्लीज़ बेल आइकन दबा दीजिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं करें तो कर लीजिए, ताकि एक भी इंपॉर्टेंट वीडियो इस कोर्स की या आने वाले इंपॉर्टेंट कोर्सेज आपसे मिस ना हो। वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले एक इंपॉर्टेंट अपडेट देना चाहता हूँ। दोस्तों मार्केटिंग फंडास आप लोगों के लिए फ्यूजन कोर्स लेकर आया पहली बार, जिसके अंदर आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डिजिटल मार्केटिंग का फ्यूजन सीखेंगे। मतलब कैसे हम AI के थ्रू डिजिटल मार्केटिंग में और प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकते हैं, कैसे इसको इंटीग्रेट करके यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये फ्यूचर स्किल्स हैं। आगे अगर आपको अपना करियर बनाना है, बिजनेस को मल्टीपल टाइम्स ग्रो करना है, तो आपको ये आना चाहिए। तो इसके लिए दिए नंबर पर व्हाट्सएप कॉल करें, कोर्स की पूरी जानकारी लें। तो आइए बढ़ते हैं वीडियो में आगे। आज की इस वीडियो में बात करेंगे हाउ टू क्रिएट न्यू एड सेट और एड कॉपी इन फेसबुक एड्स। बेसिकली फेसबुक एड कॉपी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है फेसबुक एड्स में। कभी कभी हम क्या करते हैं कि एक ही प्रोडक्ट के सिमिलर प्रोडक्ट का डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म पर जाकर डिफरेंट डिफरेंट तरीके से एड लगाते हैं। कभी हम लोग एड लगाते हैं, कभी हमारा ऑब्जेक्टिव गोल रहता है हमारा रीच लाना, कभी रहता है हमारा गोल लीड लेके आना। तो डिफरेंट डिफरेंट हमारा होता है बेसिकली वहां से हम, बट हम लोग उनको ट्रैक नहीं कर पाते, AB टेस्टिंग नहीं कर पा रहे, और AB टेस्टिंग करने के साथ साथ हम लोग उन पर वर्क नहीं कर पा रहे। हम लोग नहीं देख पा रहे कितनी ऑडियंस को हम टारगेट करें। डिफरेंट डिफरेंट एड कॉपी से हम डिफरेंट डिफरेंट ऑडियंस को टारगेट करते हैं एक एड कैंपेन में। जैसे कि फेसबुक एड्स में तीन लेवल होते हैं, एक होता है हमारा फेसबुक एड्स कैंपेन लेवल, एक होता है फेसबुक एड सेट लेवल, एक होता है आपका फेसबुक एड लेवल। तो आइए शुरू करते हैं, चलते हैं फेसबुक डैशबोर्ड पर, समझते हैं। पहले सबसे पहले हम फेसबुक लॉग इन करेंगे, जहां हमारे पास एक एड्स मैनेजर का ऑप्शन है। अगर आपके पास यहाँ एड्स मैनेजर नहीं दिख रहा है तो आप स्क्रॉल डाउन करके यहाँ पर ऑप्शन देख सकते हो आपके पास। अदर फिर भी नहीं दिखेगा तो आप सी मोर का एक बटन दिया है, इस पर क्लिक करके आप एड्स मैनेजर में जा सकते हो। एक और वे है जो आप एड्स मैनेजर पर जा सकते हो, एक और मेथड है जिसपे आप सिंपल फेसबुक एड्स मैनेजर टाइप करोगे। बट इसके लिए आपको सबसे पहले आपके पास प्रोफाइल लॉगिन होना मैंडेटरी है। आपके प्रोफाइल लॉगिन है तभी आप एड्स मैनेजर पर जंप कर पाओगे। यहाँ मेटा एड्स मैनेजर का एक ऑप्शन आएगा, सबसे पहले लिंक पे क्लिक करना है एंड आप जंप कर जाओगे अपने एड्स मैनेजर पर। देखिए आप गो टू एड्स मैनेजर का ऑप्शन है, क्लिक ऑन दिस एंड सेम। जैसे मैं आपके पास यहाँ से अगर मैं क्लिक करके जाता हूँ तब भी मैं सेम एड्स मैनेजर पर ही जाता हूँ। आप ये देख पा रहे होंगे ads@mmanager.facebook.com और यहाँ पर भी ads@mmanager.facebook.com सेम इंटरफेस आपके पास है एंड सेम इंटरफेस है। तो हम किसी भी एक टैब पे काम करेंगे, लाइक यहाँ पर हम सिंपल एक कैंपेन बनाएंगे, कोई भी ऑब्जेक्टिव ले सकते हैं हम। क्लिक ऑन क्रिएट पे क्लिक करेंगे एंड यहाँ पर आपके पास ऑब्जेक्टिव मल्टीपल ऑब्जेक्टिव है, अवेयरनेस ट्रैफिक एंगेजमेंट लीड्स ऐप प्रमोशन सेल्स। आप कोई भी एक ऑब्जेक्टिव चूज कर सकते हो। मैं यहाँ पर अवेयरनेस को चूज करता हूँ एंड कंटिन्यू पर क्लिक करूंगा। Then, आपके पास पहला एड लेवल है वो एड्स कैंपेन लेवल है। मैं यहाँ पर कोई भी चेंजेस नहीं करने वाला क्योंकि मैं एड्स एट लेवल की बात करने वाला था। और यहाँ आपके पास एड्स एट लेवल पे आ गए, जब इसकी सेटिंग्स कंप्लीट हो जाती है, आपकी सेटिंग्स बनाते हो, आप एक बार एड्स एट लेवल को सेट कर लेते हो, तब आपके पास अगर आप इसकी कॉपी करना चाह रहे हो या एड्स एट को मल्टीपल डायमेंशन में आप बनाना चाह रहे हो, तो यहाँ आपके पास 3 डॉट पर ऑप्शन आ रहा है, इस पर क्लिक करेंगे एंड यहाँ एक सिंपल डुप्लीकेट ऑप्शन है, एक क्विकली डुप्लीकेट का अपना। अगर आपको सेम एड सेट को सेम डायरेक्शन में ही डुप्लीकेट करना है, एक और एड सेट सेम बनाना है, तो आप क्विकली डुप्लीकेट पर क्लिक करोगे एंड थोड़ा सा वेट करेंगे और आपका एक एड सेट लेवल तैयार हो जाएगा, एक और एड सेट। अगर आप चाहते हो नहीं मुझे डुप्लीकेट करना है एंड यहाँ आपके पास डुप्लीकेट का ऑप्शन है, Ctrl+Shift+T इस पर क्लिक करेंगे देन आपके पास मल्टीपल ऑप्शन आएंगे। लाइक आपके पास एक होता है ओरिजिन कैंपेन, एक एग्जिस्टिंग कैंपेन, अगर आप पहले से एड रन कर रहे हो उसका भी एक एड लगाना चाह रहे हो तो एडजस्टिंग पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर आप सर्च करेंगे जो भी आपका कैंपेन चल रहा है। मेरे केस में यहाँ पर एक न्यू अवेयरनेस का कैंपेन चल रहा था, वो दिखा रहा है यहाँ पर। ओरिजिन कैंपेन आप जो बना रहे हो उस पर वर्क करने वाले हैं एंड एक न्यू कैंपेन आप चाहते हो तो न्यू कैंपेन भी यहाँ पर बना सकते हो और यहाँ पर आप उसका ऑब्जेक्टिव
आपको देख पा रहे हो, ऑब्जेक्ट यहाँ पर अवेयरनेस दे रहा है, और नंबर ऑफ कॉपीज यहाँ पर आप 2, 5, 10 जितनी आप चाहो उतनी कॉपीज बना सकते हो। बेसिकली यहाँ पर मोस्ट ऑफ द कॉपीज 2 या 2 से अधिक नहीं लेते हैं, तो सफिशियंट है। एंड आप यहाँ स्क्रॉल करोगे तो आपके पास मल्टीपल ऑप्शन दिए हुए, आप उस पर क्लिक कर सकते हैं। एंड कैंपेन का नेम देना है, लाइक मैं यहाँ पर अवेयरनेस 2 दे रहा हूँ, तो अवेयरनेस 2 दे रहा हूँ, और डुप्लीकेट पे क्लिक करेंगे सिंपल, और आपका एड सेट लेवल तैयार हो जाएगा। तो 2 एड कॉपी मैंने यहाँ से बनाई, आप देख पा रहे अवेयरनेस 2 में एक एड सेट ये, एक एड सेट ये, एंड आपके पास जो मैंने यहाँ डुप्लीकेट किया था वो। अभी ऑप्शन आता है कभी कभी से हमें नहीं चाहिए, मुझे डिलीट करना है, तो सिंपल इस पर 3 डॉट पे क्लिक करेंगे, आपके पास एक डिलीट बटन का ऑप्शन आएगा, डिलीट करोगे। सिंपली डिलीट करने से आपका एड कैंपेन चैट लेवल, एड चैट लेवल डिलीट हो जाएगा सिंपल। आप चाहते हो जो भी आपका, आप कंप्लीट आपने जो कैंपेन बनाया उसको डिलीट करना, तो यू कैन डिलीट दिस। कैसे, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और समझ में आया होगा कि हम एड चैट लेवल क्यों बनाते हैं, एड चैट कॉपी क्यों करते हैं, और उसके बेनिफिट क्या क्या हम लेने वाले हैं, एक ऐड में मल्टीपल टाइप से टारगेटिंग कैसे करने वाले हैं। इस वीडियो में मैंने आपको ब्रीफ में बताया है, आई होप ये वीडियो प्रॉपर तरीके समझ में आया हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो बेहद पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर आपकी कोई क्यूरीज हैं तो वो भी आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। अगर दोस्तों आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ चैनल को शेयर कीजिए। अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि ऐसे इंपॉर्टेंट कोर्सेज और आने वाली वीडियोज़ आपसे मिस ना हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग मार्केटिंग फंडास।